डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम का पन्ना की रेसिपी। उसके लिए हमें चाहिए 2 या 3 आम, ये देख सकते हैं आप कच्चे आम हैं ये, 2 या 3 कच्चे आम जिनको आप छोटे छोटे पीसेस, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस भी मत कीजिएगा, इतना या इससे आप चाहें तो थोड़ा और छोटा बना सकते हैं। इसको आप थोड़ा, इसकी इतना काटना है इसको कि इसकी हड्डी से आम निकल जाए, हड्डी हमें इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। कच्चा आम है ये, और बड़े साइज़ का हो तो और भी बेटर है। अब हमें एक्चुअली इसमें करना क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आम का पन्ना की जो रेसिपी है वो 2 तरह की होती है। एक तो होता है आम का पन्ना के लिए जो आम यूज़ होता है उसमें हम क्या करते हैं, आम को उबालते हैं। लेकिन आम को उबालने से क्या होता है, एक तो उसका टेस्ट जो खट्टापन जो नेचुरल होता है उसमें कुछ पके हुए का भी टेस्ट आ जाता है, तो वो उतना नेचुरल और अच्छा लग नहीं पाता है। एंड ये आप देख रहे हो मैंने अभी सारा निकाल लिया है। और सेकंड जो रेसिपी है ये आप कह सकते हैं मैंने खुद ही, मेरी ही इन्वेंट की हुई है। इसमें मैं क्या करती हूँ कि आम को मैं उबालती नहीं हूँ, क्योंकि ये कच्चा आम है और इसका कच्चे आम का जो टेस्ट होता है वो पकाने पर बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हम कच्चा आम लेंगे, इसको मैंने अच्छे से इसमें से जो इसका पल्प है उसमें हड्डी निकाल दी है आम की। सेकंड हम दूसरा आम लेंगे और ऐसे ही उसकी जो हड्डी है वो हम निकाल लेंगे आम से, उसका पल्प हम सारा निकाल कर अपने पास रख लेंगे, बाकी हम हड्डी को। अच्छा, इसकी जो हड्डी है इसके अंदर की, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है जहां आप पेड़ उगा सको तो वहां आप क्या कर सकते हैं, इस हड्डी को ले जाकर ज़मीन में गाड़ दीजिए और आप देखेंगे कुछ टाइम बाद एक नया पेड़ आम का आपको उगा हुआ नज़र आएगा। खैर, अब हम बात करते हैं आम का पन्ना की रेसिपी। बेसिकली आम का पन्ना जो है एक ड्रिंक है, जैसे आपने देखा होगा जलजीरा वगैरह होता है मार्केट में। जलजीरा अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, बेसिकली जलजीरा पाउडर लेकर आ जाते हैं, लेकिन उसमें हमें मालूम नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड चीज़ें रहती हैं तो उतना ज़्यादा वो बेनिफिशियल और हेल्दी नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत होती हैं। और ये आम का पन्ना जो है ऐसे ही जलजीरा जैसा ही इसका टेस्ट आता है, और ये बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट देता है क्योंकि इसमें कच्चे आम के अलावा, ये आप देख सकते हैं मैंने 2 आम जो हैं इनका पल्प निकाल लिया है कच्चे आम का। आप चाहे तो इसमें 3 आम भी मिक्स कर सकते हैं, 4 आम भी मिक्स कर सकते हैं। प्लस ये मैंने लिया है पुदीना, विच इज़ कॉल्ड मिंट ऑल्सो इन इंग्लिश। सो ये 2 इन्ग्रीडियंट्स हैं, इनको मैं मिक्सर में पीस लूँगी। मैं इसमें सारा आम का जो है पल्प डाल दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ, देन आई विल पुट दी पल्प इनटू दी मिक्सर। ये मैंने सारा डाल दिया। इसके बाद ये है मिंट, ये मैंने यहाँ बाहर अपने किचन गार्डन में लगाया हुआ है, मैंने तो वहीं से इसको ले लिया, बट अगर आपके पास मिंट नहीं है तो आप मार्केट से खरीदिएगा। साथ में मैं इसमें अब जो मैं डालने जा रही हूँ वो हम बनाने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर हम मिक्सर में ही उसको डाल देंगे तो क्या होगा कि वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसमें, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें हम इतना सा 1/4 टीस्पून ये है जीरे का जो पिसा, जो भुना हुआ जीरा होता है तवे पे, सिर्फ जो भुना हुआ होता है रोस्टेड जीरा, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स को हम पीस कर इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा अगर हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा आप और डाल सकते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो थोड़ा कड़वापन लिए हुए आ जाएगा। नाउ अनदर थिंग व्हाट वी हैव टू पुट इज काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसको हमें, या तो अगर हमारे पास इसका पाउडर हो ब्लैक पेपर का तो दैट इज़ बेटर, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि इसे, यू कैन सी हियर
ऐसे चकले बेलन में लेकर हम इसे क्रश कर लें तो वो पाउडर का काम कर जाता है। और क्योंकि हम इसे मिक्सर में डालेंगे तो इसलिए ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए ब्लैक पेपर का पाउडर हो चुका है। नाउ आई विल पुट दिस, सी इट इज़ ऑफ अ वेरी लिटिल क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा हमको नहीं डालना है क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है और ये ज़्यादा डालने से हमें गर्मी भी लग सकती है। तो अब हम इसको डाल देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करेंगे सो दैट ये अच्छे से पिस जाए, घुल मिल जाए। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, ज़्यादातर लोग आम पन्ना बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसको जब पीस लेते हैं तो इसे इसका जो जूस पीने के लिए वो लोग क्या करते हैं बेसिकली कि इसका जो जो ये पल्प होगा जो भी इसका ये नीचे इसमें जो गाढ़ी चीज़ जो गुद्दा इसका कह सकते हैं हम जो होगा उसको छान लेते हैं। और उससे हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि सिर्फ हमें इसका पानी ही मिल पाता है, लेकिन पुदीना आम और कोरिएंडर क्यूमिन सीड्स और जो ये काली मिर्च ब्लैक पेपर का जो अर्क होता है वो हमें मिल नहीं पाता है, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाता है क्योंकि हम उसका जो गुद्दा होता है जो पल्प होता है उसको हम थ्रो आउट कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं। लेकिन इट इज़ फार बेटर एंड बेसिकली मैं भी यही करती हूँ कि जब मैं जूस बनाती हूँ इसका जब मैं आम का पन्ना बनाती हूँ तो मैं इसका गुद्दा फेंकती नहीं हूँ, इसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए ताकि वो मुंह पर लगे नहीं खाते पीते टाइम। ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द मिक्सर। हमें ये इतनी देर पीसना है कि ये बिल्कुल पानी बिल्कुल जैसे हम चटनी पीसते हैं चटनी की तरह ये हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर मिक्सर। Once again we will mix it, start the mixer grinder so that इसमें कोई hard part इसका कुछ रहना चाहिए। आपको मिक्सर की आवाज़ सुनकर एक WhatsApp वाला जोक तो याद आ ही गया होगा जिसमें कि एक शक्की वाइफ अपनी अपने हस्बैंड को फ़ोन करके घर पे पूछती है कि आप कहाँ हैं, तो उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं घर पर ही हूँ, तुम मायके में कैसी हो? तो वो कहती है मैं तो मायके में ठीक हूँ बट आप एक काम कीजिए ज़रा मुझे मिक्सर की आवाज़ सुनाइए, मिक्सी ऑन करके दिखाइए। तो वो फटाक से मिक्सी ऑन करके दिखा देता है तो जो वाइफ होती है उसको भरोसा हो जाता है कि हाँ मेरा हस्बैंड घर पर ही है। कुछ दिन बाद वो ऐसे ही रोज़ फ़ोन करती है और रोज़ उसको उसका हस्बैंड मिक्सी की आवाज़ सुना देता है। आफ्टरवर्ड्स क्या होता है जब वो मायके से आती है तो अपने बेटे से पूछती है बेटा डैडी कहाँ है आपके? तो बेटा बोलता है मम्मा पता नहीं कहाँ है, पिछले 10 दिनों से मिक्सर साथ में लेकर घूम रहे हैं। क्योंकि उसकी वाइफ को मिक्सी की आवाज़ से ये भरोसा हो जाता था कि हस्बैंड घर पे ही है इसलिए वो मिक्सर ही साथ में लेकर घूम रहा था। सो एक्चुअली मुझे ये ध्यान अभी आया मिक्सी की आवाज़ से, आप लोगों के कानों में बहुत ज़ोर से इसकी आवाज़ जा रही होगी। चलिए अब हम इसको खोल के देखते हैं ये कितना पिसा है। सी लेट मी ब्रिंग अ स्पून। ओके नाउ यू कैन सी ये बिल्कुल चटनी से भी बिल्कुल पतला हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम जग में डाल लेंगे। अगर आपको इसे इंस्टेंटली पीना है अभी ही पीना है तो आप इसमें क्या कर सकती हैं कि एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये देखिए ये बिल्कुल पतला पिस गया है ताकि इसे पीते टाइम ये मुंह पर ना लगे। अब हम इसे क्या कर लेंगे, जग में डाल लेंगे। अगर आपको इसे इंस्टेंटली पीना है तो आप इसमें ठंडा पानी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आपको ये अभी नहीं पीना है, अगर आप इसको कुछ टाइम बाद पीना चाहते हैं या थोड़ा आपने अभी पी लिया है थोड़ा आप
बचा कर रखना चाहते हैं बाद में पीने के लिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए इतना पतला मैंने इसे बना दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लूँगी, क्योंकि दो आमों से जो है कम से कम 4 या 5 ग्लास आपके आराम से बन सकते हैं। अच्छे से इसका हम कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं ये आधा जग के करीब बन चुका है, और फिर भी अभी भी ये, मैंने इसमें और पानी डाल दिया है, और अभी भी ये मार्केट वाला जो जलजीरा होता है उससे गाढ़ा ही आपको दिखाई दे रहा होगा सी। और क्योंकि मैंने इसका जो पल्प था, जो पुदीना एंड जो आम का जो पल्प था, वो मैंने इसका फेंका नहीं है छान कर, इसलिए इसमें सारे जो उसका पुदीने का, आम का, काली मिर्च का और पिसे हुए जीरे का जो भी अर्क है, वो सारा हमको पूरे हेल्थ बेनिफिट्स इस ड्रिंक में मिलेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कई लोग क्या करते हैं कि शाम को, मैंने पहले भी बताया था, उबालते हैं, तो उसमें उबाल कर इसका जो नेचुरल टेस्ट होता है कच्चे आम का, वो ख़त्म हो जाता है और वो उतना हेल्दी भी नहीं रहता है। सेकंड थिंग इज़ कि लोग इसे छान लेते हैं, उससे क्या होता है कि पानी पानी हमें मिल जाता है, और जो इसके जो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसका जो गुद्दा होता है आप कह सकते हैं, उसे लोग फेंक देते हैं। लेकिन मैं बेटर समझती हूँ कि इसमें आप इसे छाने ना और डायरेक्टली इसको पीजिए। अब ये जो है आप इसको या तो फ्रिज में रखिए और या पीजिए। एंड मैं थोड़ा सा इसे टेस्ट कर रही हूँ, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा काला नमक या सफ़ेद नमक भी मिला सकते हैं, तो मुझे लेने दीजिए इसका आनंद और आप ट्राई कीजिए ये रेसिपी। बाय बाय।